वृश्चिक राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप सभी की घर की रक्षा कर रहा है। यह तीन देवी देवता आखिर क्यों हैं, या देवी देवता आपके घर की रक्षा कर रहा है, इसके पीछे की सच्चाई सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को जो जानकारी देने वाले हैं, सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब आपका वह समय आ गया है जिसे आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, हर एक इंसान कर्म करता है और फल पाने की चेष्टा करता है, लेकिन दोस्तों, जो अच्छा कर्म करता है उसके जीवन में अच्छा फल एक ना एक दिन अवश्य ही मिलता है, भले ही देर लगता है, लेकिन दोस्तों मिलने जरूर है। दोस्तों, जब भगवान अपने भक्त के जीवन में मेहरबान हो जाते हैं, उसके अच्छे कर्म हो जाते हैं, तब भगवान उनकी चारों तरफ अपनी नजर रखते हैं। और दोस्तों, यह तीन देवी देवता आपके घर के ऊपर विराजमान है, आपके घर में ही वास करता है और सभी दुश्मनों से आपकी रक्षा करता है। आखिर यह देवी देवता ऐसा क्यों कर रहा है और यह आपको कौन से खुशखबरी देने वाला है, इन सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी तीन बार लिख दीजिएगा। माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, तीन शक्तियां आपके घर में रहती हैं। कौन है ये शक्तियां, आज आपको सब कुछ सच सच पता चलने वाला है प्यारे दोस्तों। लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है, यह तीन शक्तियों का वास आपकी ही घर में बना रहता है प्यारे दोस्तों। शायद कुछ लोगों को यह बातें तो बिल्कुल मजाक लग रही होंगी और झूठ लग रही होंगी, लेकिन जब आपको इन तीन शक्तियों के बारे में बताएंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए शांत दिमाग के साथ कान खोलकर वीडियो को देखें। चौंकाने वाली सच्चाई आपको हम बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा कि वाकई में इन तीन शक्तियों का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहता है प्यारे दोस्तों। आपके दुश्मन हजारों हैं जो आपको आपके जीवन में आगे नहीं बढ़ने देते हैं, आपको सदा ही परेशानियों में देखना चाहते हैं, लेकिन उनकी नहीं चलती है। जी हां प्यारे दोस्तों, क्योंकि इन तीनों शक्तियों का शायद आपके घर पर बना रहता है, जिसके चलते आपका लोग बहुत ही बुरा करना चाहते हैं लेकिन नहीं कतराते हैं। प्यारे दोस्तों, जो बातें आपको पता चलने वाली हैं उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपके अपने ही कानों पर विश्वास नहीं होगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि ऐसी तीन शक्तियों का वास हर किसी के घर में नहीं बना रहता है। जी हां प्यारे दोस्तों, लेकिन इन तीन शक्तियों का वास आपके घर पर सदा ही बना रहता है। कभी आपके घर या तीन शक्तियां ही आस्था गई है, हमेशा के घरों में ही रहती है प्यारे दोस्तों। आपने इन्हें कभी नहीं देखा है, लेकिन आज आप देखने वाले हैं, आपको कुछ ऐसे बहुत ही बारीक जानकारी देंगे प्यारे दोस्तों, जिसे सुनकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आप अपने यदि किस्मत को कोसते हैं, इस राशि के होने से आपको परेशानी है। जी हां प्यारे दोस्तों, तो आप अब अपनी किस्मत को कोसना छोड़ देंगे और आप खुद को बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति समझेंगे। जी हां प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप अक्सर करके अपने जीवन में हो रही समस्या को, हो रहे दुखों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं और हमेशा खुद को कोसते रहते हैं, अपने नसीब को कोसते रहते हैं, और आपके मन में अक्सर करके ऐसी भाव भी आती है कि भगवान आपका साथ नहीं देते हैं, और कभी कभार इसी के चलते आप अपने जीवन में इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आपका भगवान से ही भरोसा डगमगाने लगता है। लेकिन जब भी आपका भगवान के ऊपर से भरोसा डगमगा है तो भगवान ने भी अपना चमत्कार दिखाने में पीछे नहीं हटा है। जी हां प्यारे दोस्तों, यदि आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, यह तीन शक्तियां कौन हैं जो आपके घर में श्रद्धा ही वास करती हैं, जो आज तक कभी आपके घरों से गई नहीं है। जी हां प्यारे दोस्तों, आपको पता चलने वाला है, अब आपके होश UDDH जाएंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, इन बातों का घमंड मत दिखाइएगा। जी हां, क्योंकि आपके अंदर गर्वमेंट की भावना नहीं है, लेकिन हो सकता है इन बातों को सुनकर आपको बहुत घमंड हो जाए, अपने आप पर बहुत ज्यादा अहंकार हो जाए, तो ऐसी गलती तो आपको हरगिज नहीं करनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए,
जब आपको इन तीन शक्तियों के बारे में पता चल जाए आपको कौन सी वह गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। आप प्यारे दोस्तों, एक या दो नहीं, पूरे तीन शक्तियों का वास आपके घर पर रहता ही रहता है, तो ऐसे में आपका भी इन्हीं शक्तियों को खुश करने की आवश्यकता है, जो आपके घर से कभी नहीं जाए, सदा ही आपके घर में ही रहे, क्योंकि इन तीन शक्तियों का वास बहुत ही नसीब वालों के जीवन में बना रहता है। जी हां प्यारे दोस्तों, वह घर बहुत ही सौभाग्यशाली होता है जिन घरों में तीन शक्तियों का वास रहता है। प्यारे दोस्तों, और आपका उन्हें सौभाग्यशाली घरों में से एक घर है जिनमें इन तीन शक्ति का वास रहता है। तो कौन है वे तीन शक्तियां, आइए इसके बारे में जानते हैं, और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ताकि यह शक्ति कभी आपसे दुखी ना हो और आपके घर को छोड़कर कभी ना जाए। जिस दिन इस घर को आपके घर को छोड़कर चली गई, किया तो प्यारे दोस्तों आपका घर घर नहीं बल्कि नरक के समान का ही घर हो जाएगा। आपका खुशहाल घर ही आपको काटने के लिए दौड़ेगा। जी हां प्यारे दोस्तों, आपके घर परिवार की जो भी खुशियों हैं भी समाप्त हो जाएंगी। यदि यह शक्ति आपसे दुखी होकर आपके घरों को छोड़कर चली गई, तो प्यारे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माँ लक्ष्मी की माँ भवानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप सच्चे हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जय मां भवानी प्यारे दोस्तों जरूर लिखिए। मां लक्ष्मी मां भवानी की कृपा सदा ही आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। आ रही दुख तकलीफों से आपको छुटकारा मिलेगा, तो आप जरूर लिखिए प्यारे दोस्तों। सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो प्यारे दोस्तों, जब हम आपको इन शक्तियों के बारे में बता देंगे, तब आपको जो गलती नहीं करनी है वह प्यारे दोस्तों कि आपको इसके बारे में कहीं पर किसी से कोई जिक्र मत करिएगा। इस बातों को अपनी ही तक सीमित रखिएगा, अपने मन में ही दबा कर रखिए, का बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें जो गलती आपको नहीं करनी है, उससे पहले सब्जियों के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, पहला जो शक्ति आपके घर में शारदा बना रहती है वह है प्यारे दोस्तों मां अन्नपूर्णा की। जी हां प्यारे दोस्तों, मां अन्नपूर्णा की शक्ति आपके घर में सदा ही रहती है। आप यदि ध्यान दें तो आप बड़े से बड़े रुपयों पैसों के मामलों में बहुत परेशानी रहे हैं, लेकिन कभी भी आपको खाने पीने की कमी नहीं हुई है। कहीं ना कहीं से आप खाने पीने का जुगाड़ कर लिए हैं, या फिर यूं कहे मानसून ना, स्वयं आपको भूख कभी नहीं सुनाद है। प्यारे दोस्तों, मालूम ना कि शक्ति आपके घर पर श्रद्धा ही बनी रहती है। तो ऐसे में आपको जो गलती नहीं करनी है वह प्यारे दोस्तों, आपको कभी भी अन्य का अनादर नहीं करना है। जी हां प्यारे दोस्तों, और जब कोई आपके पास जरूरतमंद व्यक्ति आए, या आप उन्हें सब कुछ होने के बाद भी खाली हाथ मांगा, आए से जितना हो सके वे काम आप अवश्य ही कर रहे। प्यारे दोस्तों, यदि कोई भी जीव जंतु भी तो आप उसे खाली ना लौट है, आज इतने सक्षम है उसके अनुसार आप उनकी सहायता जरूर करें, इससे मान पूर्णा सदा ही आपसे प्रसन्न रहेंगे। प्यारे दोस्तों, वही अब जानते हैं दूसरी शक्ति के बारे में जो आपके ही घरों में वास करती है। तो प्यारे दोस्तों, वह शक्ति है माता लक्ष्मी की। जी हां प्यारे दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा सदा ही आपके घरों में बनी रहती है। प्यारे दोस्तों, आप अपने जीवन में पैसों को लेकर बहुत परेशान हैं, आपको जब भी पैसों की जरूरत पड़ी है, जब आप खुद को बहुत अकेला महसूस किया है, जब चारों तरफ से आप पैसे मांगकर हार चुके हैं, आपको कहीं से कोई मदद नहीं मिलता है, अचानक दौरान आपके सामने कुछ ऐसी लोग आते हैं जो आपके रुपयों पैसों में मदद कर देते हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, जब आपको रुपए का की बहुत आवश्यकता होती है, तब मां लक्ष्मी ने ऐसे व्यक्तियों को बेचती हैं, या फिर वीडियो कह स्वयं मां लक्ष्मी आपके सामने आपकी मदद करने के लिए आती है। प्यारे दोस्तों, वहीं अब तीसरी शक्ति के बारे में भी जान लेते हैं जो आपके घरों में रहती है। तो प्यारे दोस्तों, किसी सत्य जो है वह है प्यारे दोस्तों जिनकी आप सच्चे मन से श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करते हैं, चाहे वे देवी हैं या फिर देवता हैं, आप जिनको भी पूरे दिल से मानते हैं, उनकी शक्तियां भी आपके साथ रहती हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, जिसके चलते आपके दुश्मनों से आपको बचाती है, आपकी इच्छाओं को पूरा करती है। जब आप अपने जीवन काल में आके महसूस किए हैं,
तब इन्होंने आपके हाथों को धावा है, आपको खड़ा किया है वापस आगे बढ़ने के लिए, और उस दौरान जब आप आगे बढ़े हैं तो आप सफल होकर ही रहे हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, यह शक्तियां कुछ ऐसा चमत्कार आपके जीवन में आपको दिखा। प्यारे दोस्तों, इन बातों को बस अपने ही तक रखें, बाहर ना जाने दें, ना ही इसका जिक्र करें। प्यारे दोस्तों, आप बहुत ही नसीब वाले हैं जो इनकी शक्तियों का वास आपके घर पर है। आपका घर घर नहीं बल्कि मंदिर जैसा है। आपके घर के लोगों का स्वभाव कि वह बहुत ही शांत है और किसी के प्रति कोई लालच ईर्ष्या की भावना, आप सियासत पूरे परिवार के अंदर देखा जाए तो अब तक नहीं है प्यारे दोस्तों। इसलिए शायद इन शक्तियों का वास आपके घर पर बना रहता है और आपके घर पर हमेशा भी रहेगी। प्यारे दोस्तों, यह तीन शक्तियों आपके जीवन में कौन सा चमत्कार करने वाली है प्यारे दोस्तों? इस समय पर आपके इष्ट मित्र का पूरा सहयोग मिलेगा। आपके कोई बहुत ही खास मित्र से आपकी मुलाकात या फोन एफ कॉल के जरिए बात भी हो सकती है। जो लोग कामकाजी महिला हैं उन्हें अपने घर से भी सम्मान मिलेगा, साथ ही कार्यस्थल पर भी आपको मान सम्मान मिलेगा। इस समय आपके घर के लोग आपको खूब आदर सम्मान करेंगे, आपके कार्यों की तारीफें भी करेंगे, जिसे देखकर आपको अपने अंदर और भी ज्यादा आत्मविश्वास होगा। जो लोग जमीन से जुड़ा व्यवसाय करते हैं इस समय आपको विशेष लाभ प्राप्त होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। कमीशन एवं कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोगों को इस समय कोई बड़ा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। इन लोगों का यह समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। इस समय आपको बता दें कि किसी काम के सिलसिले में आपको छोटी दूरी या लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यह यात्रा आपके लिए बेहद शुभ गाड़ी रहे कि यदि आप अपने परिवार जन या किसी मित्र के साथ कहीं धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बनाई है पर जाने की सोच रहे थे हैं तो आपको वहां से बुलावा सकता है। आप उनके दर्शन को जा सकते हैं। उसके साथ ही आपको यात्रा के दौरान अपने सभी जरूरत की वस्तुओं का देखरेख करना होगा। कीमती वस्तु का विशेष करके ध्यान रखें क्योंकि आपका वह वस्तु कहीं छूट सकता है या चोरी हो सकता है उसके साथ। प्यारे दोस्तों, प्रेम जीवन की दृष्टि से देखा जाए तो आपके लिए यह समय बेहद अनुकूल है। इस समय किसी के साथ यदि हाल फिलहाल में मित्रता हुई है तो आपकी मित्रता प्रेम संबंध में बदल सकती है। इस समय विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ने वाला है। जी हां प्यारे दोस्तों, प्रेम संबंधों में रिश्तों में मजबूती आने वाली है और विश्वास भी आप दोनों की भी बनने वाला है। आप दोनों में बहुत ही अच्छा तालमेल नजर आएगा। आप अपने तो में मधुरता बनी रहेगी। इस समय आप अपने लव पार्टनर से कुछ ऐसी बातें ना करें जो उनके दिल को दुखा सके। जी हां प्यारे दोस्तों, छोटी छोटी बातों पर यदि आप अपना प्रजा किया देंगे ऐसे आपके संबंध पर बुरा असर पड़ सकता है। जो बातें मजाक मस्ती में हैं उन्हें मजाक मस्ती में ही समाप्त कर दें तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा। वहीं प्यारे दोस्तों, आपके संबंधों के बीच कोई तीसरा व्यक्ति आने का कोशिश कर सकता है, आपके संबंधों को खराब करने का प्रयास कर सकता है, तो आपको एक दूसरे के ऊपर विश्वास ही बनाए रखना है। वहीं यदि आपके सेहत में कोई समस्या चल रही है तो आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना है। आपको मौसमी भी बरी की चपेट में आना पड़ सकता है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से यदि आप परेशान हैं तो आपको उन परेशानियों से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। इसमें सेहत से संबंधित छोटी मोटी दिक्कतों को इग्नोर करने से बचे नहीं तो आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। यदि आप किसी मुद्दे को लेकर कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे हैं तो फैसला आपके हाथ में आ सकता है। फिर आपके विरोधी खुद आपसे सुलह समझौता करने का पहल कर सकते हैं। अब उन्हें भी एहसास हो जाएगा कि आप कितने शक्तिशाली हैं। यदि आप बीते दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं तो इस समय आपको स्वास्थ्य में लाभ मिल जाएगा। इसमें प्यारे दोस्तों, आपके शत्रु से बल्कि आपको अपने रोग से भी मुक्ति मिल जाएगा। जी हां प्यारे दोस्तों, लव पार्टनर के साथ आपका बहुत ही सुखद समय व्यतीत करने का को अच्छा अवसर प्राप्त होगा। आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं पर घूमने जा सकते हैं जहां पर आपने जिसमें से वादा करते भी नजर आएंगे। यदि आपके रिश्तों में किसी विवाद को लेकर गलत फहमियां हैं
तो गलतफहमियां को बातचीत के खुश रहेगा, साथ ही घर में खुशी का माहौल बना रहेगा, सुख शांति बनी रहेगी। अचानक आपके घर में किसी प्रिय व्यक्ति का आगमन हो सकता है। इस दौरान आप किसी पार्टी, पिछली किसी अच्छे और शरण में जा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इसलिए भाग्य पूरी तरह से प्रबल नजर आ रहा है। लंबे समय से चली आ रही समस्याएं कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से अब दूर हो जाए। यदि कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हुए हैं तो फैसला आपके पक्ष में आता नजर आ रहा है प्यारे दोस्तों। या जो समय है, यदि आप शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट में धन का निवेश करते हैं तो ऐसे में प्यारे दोस्तों आपको किए गए निवेश का बढ़िया लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, लेकिन अत्यधिक लालच में ना आए, आय के नए स्रोत बनेंगे। धन की आवक बढ़ेगी लेकिन खर्च की अधिकता रहेगी। सुख सुविधाओं के साधनों पर खर्च भी करेंगे। घर की साज सज्जा मरम्मत कराने के भी आप सोच विचार कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, यदि आपका किसी व्यक्ति के साथ कोई गलतफहमी पैदा हुई है तो उसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, किसी के साथ हुई नई मृत पिता प्रेम संबंध में बदल सकती है। पुराने प्रेम संबंध में आपसी विश्वास बढ़ेगा, जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। प्यारे दोस्तों, या जो समय है, आपको अपने शत्रुओं से पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आप जितना आगे बढ़ेंगे आपके दुश्मनों को, आपके शत्रुओं को उतनी ही परेशानी होगी, जिसके चलते आपके जीवन में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, आपकी छवि को खराब करने का षड्यंत्र रच सकते हैं। ऐसे में आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है। प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में यदि किसी कार्य में अड़चनें आ रही हैं तो उन अड़चनों के बावजूद आपका दबदबा कायम रहने वाला है। प्यारे दोस्तों, वाहन चलाते समय आपको को सावधानी बरतना होगा। इस समय आप यदि किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान हैं तो उसे गंभीरता से देखें, न कि उन्हें मजा में ले, नहीं तो यह समस्या बाद में आपको बहुत बड़ी परेशानी दे सकती है। तो इस बार दुर्गापुर ध्यान रखना होगा। आपको अपने घर के बुजुर्गों का भी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनकी सेहत में कुछ गिरावट नजर आ सकती है। सर्दी, जुकाम, खांसी से आप पढ़त हो सकते हैं। प्यारे दोस्तों, या जो समय है, इनमें आठ के सबसे प्रिय व्यक्ति की तरफ से कोई बढ़िया समाचार मिलेगा या कोई बढ़िया उपहार मिल सकता है, जो कि आपके दिन को और कुशल और मंगल फैलाने वाला है। जी हां प्यारे दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। प्यारे दोस्तों के साथ आपको बता दें, इस समय आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना करें, अन्यथा आपका लोगों से वाद विवाद भी हो सकता है। आप यदि कहीं पर जा रहे हैं, वहां पर आप अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें। प्यारे दोस्तों के साथ आपको बता दें कि आपका यह समय काफी ज्यादा मिला जुला साबित होने वाला है। जी हां प्यारे दोस्तों, अगर आप दूसरों से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं और उम्मीदें रखते हैं तो इस तरह की सोच से उभरे, अन्यथा आपको संघर्ष करना ही पड़ सकता है। आप यदि जितना दूसरों से अपेक्षा है और उम्मीद रखेंगे, उतना ही दुख आपको होगा और उतना ही धोखा आपको मिलेगा। आप स्वयं को बोझिल महसूस कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, व्यावसायिक मामलों में फैसला लेते वक्त आप बिल्कुल स्पष्ट सोच रखेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। सहजता और तेजी के साथ कई सारे मुद्दों में का सफलता का समाधान आप करने वाले हैं, और शिखर पर पहुंचने का हर समय आप प्रयास भी करेंगे, और भाग्य का साथ मिलने से आपकी तकदीर बदल जाए। प्यारे दोस्तों, आर्थिक मामलों में आपका किस्मत साथ देने वाला है। स्थापित कारोबार का विस्तार होने वाला है और उसी के साथ निजी संबंधों के मामलों में यह समय काफी अनुकूल साबित हो सकता है। आप नए लोगों से अपने काम को करवाने में कुछ मदद ले सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस समय कार्य क्षेत्र में चोरी होने की आशंका भी नजर आ रही है। प्यारे दोस्तों, यह जो समय है, वही कुछ लोगों के लिए कुछ परेशानी वाला रह सकता है। हम बात करेंगे उन तीन महाशक्तियों के बारे में जो इस समय आपकी रक्षा कर रही हैं और आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाने वाली हैं। जब भगवान स्वयं आपके साथ होते हैं तो कोई भी संकट, कोई भी बाधा आपके जीवन में स्थायी रूप से नहीं ठहर सकती। यह तीन देवी देवता आपको न केवल आपकी समस्याओं से मुक्त करेंगे, बल्कि आपके जीवन को समृद्धि और खुशियों से भर देंगे। आइए जानते हैं कि यह देवी देवता कौन कौन से हैं, यह कैसे आपकी रक्षा कर रहे हैं और कौन से बड़े चमत्कार आपके जीवन में आने वाले हैं। साथ ही
हम यह भी जानेंगे कि आपको किन गलतियों से बचना चाहिए ताकि इनकी कृपा सदैव आपके जीवन में बनी रहे। सबसे पहले बात करते हैं माता लक्ष्मी की। माता लक्ष्मी धन, वैभव और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। जब उनके चरण कमलों का स्पर्श आपके घर पर होता है, तब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की धन समस्या नहीं रहती। परंतु यह याद रखें कि माता लक्ष्मी उन घरों में निवास करती हैं जहां शांति, प्रेम और स्वच्छता होती है। एक पुरानी कहावत है, जहां स्वच्छता और शांति होती है वहीं लक्ष्मी का निवास होता है। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें, तो आपको अपने घर को साफ सुथरा और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखना होगा। नियमित रूप से पूजा पाठ करना, दीप जलाना और माता लक्ष्मी की आराधना से न केवल आर्थिक स्थिति सुधरती है बल्कि घर में समृद्धि और शांति का वास होता है। अब बात करते हैं भगवान विष्णु की, जो सृष्टि के पालनहार हैं। भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में संतुलन और शांति बनी रहती है। वह आपके जीवन की समस्याओं का समाधान सरलता से करते हैं और आपको मानसिक शांति प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु का एक प्रेरणादायक वचन है, सदैव धर्म का पालन करो, क्योंकि धर्म की रक्षा करने वाले की स्वयं भगवान विष्णु रक्षा करते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि आप सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो भगवान विष्णु आपकी रक्षा करेंगे और आपके जीवन की हर समस्या का समाधान स्वयं करेंगे। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए आपको नियमित रूप से विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही हर गुरुवार को भगवान विष्णु के नाम का जाप करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यह आपकी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा और आपके जीवन में धन, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। याद रखें, भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में संतुलन आता है, जो जीवन के हर पहलू में आवश्यक होता है। अब हम बात करेंगे महादेव शिव की, जो सबसे बड़े संहारक और सबसे बड़े रक्षक भी हैं। भगवान शिव की शक्ति अद्वितीय है। वे अपनी तीसरी आंख खोलकर पूरे संसार को बदल सकते हैं, लेकिन साथ ही वे अपने भक्तों पर अपार करुणा और प्रेम बरसाते हैं। शिव जी का एक प्रमुख संदेश है, सभी पर करुणा करो और क्रोध को अपने मन से दूर रखो। यह संदेश हमें बताता है कि जीवन में सहनशीलता, धैर्य और दूसरों के प्रति दयालुता का भाव रखना चाहिए, क्योंकि यह शिव जी की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है। भगवान शिव की कृपा से आपके सभी शत्रु नष्ट हो जाएंगे और आपके जीवन में शांति और सुरक्षा का आगमन होगा। शिव जी के भक्तों को कभी भी नकारात्मक विचारों से ग्रसित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिव जी के आशीर्वाद से जीवन में हर समस्या का समाधान मिल जाता है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आपको सच्ची भक्ति, धैर्य और संयम का पालन करना होगा। अब आइए बात करते हैं कि इन तीन महाशक्तियों की कृपा से आपके जीवन में कौन कौन से चमत्कार आने वाले हैं। सबसे पहले, यदि आप अपने घर में माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान शिव का विधिवत पूजन करते हैं, तो आपके जीवन में धन की प्राप्ति होगी। आर्थिक रूप से आपको नए अवसर प्राप्त होंगे जिनसे आपकी समृद्धि बढ़ेगी। इसके साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से आपका पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। अगर आपके परिवार में कोई विवाद या असहमति चल रही है तो वह समाप्त हो जाएगा और परिवार में शांति और संतुलन की स्थापना होगी। भगवान शिव की कृपा से आपके शत्रु और आपके जीवन की बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। अगर आपके जीवन में कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है या कोई नकारात्मक शक्ति आपके जीवन में हस्तक्षेप कर रही है, तो भगवान शिव की कृपा से वे सभी समाप्त हो जाएंगी। आपको बस इतना करना है कि भगवान शिव की पूजा में नियमितता और सच्चाई बनाए रखें। अब बात आती है कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए ताकि इन देवी देवताओं की कृपा सदैव बनी रहे। सबसे पहली गलती है आलस्य और लापरवाही। अगर आप आलस्य करेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो देवी देवताओं की कृपा आपसे दूर हो जाएगी। दूसरा, आपको कभी भी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव तीनों ही सत्य और धर्म के प्रतीक हैं। अगर आप अपने जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन करेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तीसरी गलती, घर में कलह या नकारात्मकता को बढ़ावा देना।
माता लक्ष्मी कभी भी ऐसे घरों में निवास नहीं करती जहां पर निरंतर विवाद और क्लेश होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि परिवार में प्रेम, शांति और एकता बनाए रखें। जब घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है तो देवी देवताओं की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। भगवान शिव के भक्तों के लिए यह भी जरूरी है कि वे क्रोध और हिंसा से दूर रहें, क्योंकि शिव जी का आशीर्वाद उन्हीं को प्राप्त होता है जो धैर्य और संयम का पालन करते हैं। याद रखें, जब यह तीन महान देवी देवता आपकी रक्षा कर रहे हों तो आपके जीवन में कोई भी संकट स्थायी रूप से नहीं टिक सकता। आपके हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी और आपके घर में समृद्धि, शांति और सुरक्षा का वातावरण बनेगा। आपको बस इतना करना है कि इन देवी देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को बनाए रखें और कभी भी धर्म और सत्य के मार्ग से विचलित न हों।